गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी एमए फाइनल की कक्षा है पॉलिटिकल साइंस की। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि आपका जो फिफ्थ पेपर है, उस फिफ्थ पेपर में हम आपका राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण हमने पढ़ा था कि किस प्रकार परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में हमने उनसे क्या अभिप्राय है उसके बारे में पढ़ा था, और उसका विषय क्षेत्र यानी अध्ययन क्षेत्र में किन किन वस्तुओं को हम शामिल करते हैं वो हमने पढ़ा था। तो आज आपकी कक्षा में मैं आपके जो प्रश्न आता है, कई बार 2 नंबर का 5 नंबर का भी आता है, और कई बार बड़ा प्रश्न भी आ जाता है इसमें कि परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है। पिछली कक्षा में हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र पढ़ा था, उसके विषय क्षेत्र में हमने किन किन वस्तुओं को शामिल किया है, और आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है और आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें मुख्य रूप से अंतर क्या है। तो देखिए, आपकी एमए फाइनल की क्लास है, तो देखिए आपका आज है परंपरागत व आधुनिक, परंपरागत व आधुनिक राजनीति विज्ञान में परंपरागत व आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर। तो देखिए आपका टॉपिक चल रहा है परंपरागत, आज का आपका जो टॉपिक है वो है परंपरागत व आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर। तो देखिए, राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका विषय क्षेत्र अलग है, और आधुनिक दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र है उसमें हमने अलग अन्य वस्तुओं को शामिल किया था कि औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ में इसमें अनौपचारिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाता है। तो हम पहला अंतर देखते हैं कि इनमें फर्स्ट अंतर जो है वो है काल क्रम का अंतर। तो देखिए, पहला अंतर है काल क्रम का अंतर, काल क्रम का अंतर। हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का समय, परंपरागत राजनीति विज्ञान का समय राजनीति विज्ञान का समय द्वितीय महायुद्ध से पूर्व का मानते हैं, द्वितीय महायुद्ध से पहले का समय जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का समय हम मानते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण का समय द्वितीय महायुद्ध या 1945 के बाद का समय, 1945 के बाद का समय। तो देखिए, कालक्रम के अंतर में हमने माना कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो समय है वो दूसरे महायुद्ध से पहले का समय है, क्योंकि दूसरे महायुद्ध से पहले राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण चल रहा था, तो हमने उसका समय दूसरे महायुद्ध से पहले माना, और आधुनिक दृष्टिकोण का समय हमने दूसरे महायुद्ध के बाद का 1945 के बाद का समय माना, कि 1945 के बाद में राजनीति विज्ञान में एक नई क्रांति का जन्म हुआ जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति मानते हैं, और व्यवहारवादी क्रांति के कारण राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ
जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो देखिए, व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। अगला इसमें अंतर हम देखते हैं। अगला इसमें अंतर है परिभाषा संबंधी अंतर। तो देखिए, परिभाषा संबंधी अंतर हम देखते हैं कि किस प्रकार से है। तो देखिए, दूसरा है परिभाषा संबंधी अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण में हम राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार से ही संबंधित मानते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में हम राजनीति विज्ञान का राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से मानते हैं। राज्य और सरकार से मानते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में प्रमुख विषय वस्तु आधुनिक दृष्टिकोण में प्रमुख विषय वस्तु मानव का राजनीतिक व्यवहार है। मानव का राजनीतिक व्यवहार है। तो देखिए, परिभाषा संबंधी अंतर में हमने राजनीति विज्ञान का जो है प्रमुख विषय वस्तु हम राज्य और सरकार से मानते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक में हमने गार्डनर का नाम लिया था। गार्डनर, लीकॉक, गिलक्राइस्ट, ये हॉब्स, लॉक, रूसो, ये राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं और इन्होंने राजनीति विज्ञान को प्रमुख रूप से जो है उसकी विषय वस्तु राज्य सरकार को माना है। जैसा कि गार्डनर ने अपनी परिभाषा में लिखा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो देखिए, राज्य और सरकार से ही हम इनका संबंध मानते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में हम इसकी प्रमुख विषय वस्तु किसको मानते हैं, मानव के राजनीतिक व्यवहार को। हमने माना कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो इसके अध्ययन की क्या है, प्रमुख इकाई है। तो हमने मानव के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन की प्रमुख इकाई माना है। तो इस प्रकार से परिभाषा संबंधी अंतर हमने देखा। अगला है अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर। तो देखिए, अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर परंपरागत राजनीति विज्ञान का आशय राज्य और सरकार से है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में हम इसके अध्ययन क्षेत्र में
हम इसके अध्ययन क्षेत्र में, अध्ययन दृष्टिकोण में, हम इसके अध्ययन क्षेत्र में, इसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, शक्ति, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, शक्ति, शक्ति राजव्यवस्था एवं शक्ति राजव्यवस्था एवं निर्णय प्रक्रिया को शामिल करते हैं, निर्णय प्रक्रिया को शामिल करते हैं। देखिए इस प्रकार से अध्ययन क्षेत्र में परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र राज्य और सरकार से है, औपचारिक संस्थाओं से इसका आशय है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में हम इसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, शक्ति राजव्यवस्था निर्णय प्रक्रिया को शामिल करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं को भी हम इसके अध्ययन में शामिल करते हैं। तो अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर क्या है? देखिए अगला अंतर है राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में जो है अंतर। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में अंतर। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में अंतर। देखिए आधुनिक दृष्टिकोण जो है, आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की तरह मानता है, एक विज्ञान की तरह मानता है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में ऐसी मान्यता नहीं है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन पुराने तरीके से करने पर ही बल देता है, और आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक नए तरीके से करने के लिए बात करता है, कि इसमें अध्ययन में नई तकनीकों और विज्ञान पर आधारित जो है इस विषय को बनाने पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की तरह नहीं मानता, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है
राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की तरह मानता है। जैसे कि कॉम्टे विचारक है, इन्होंने भी जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान की तरह जो है मानने पर ये अत्यधिक बल देते हैं। विद्वान कहते हैं, विद्वानों में इस बारे में मतभेद है। कुछ तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं और कुछ इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। तो इस बारे में विचारकों में जो है पर्याप्त मतभेद हम देखने को हमें मिलता है। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें हम देखते हैं कि उसका मानना यह है कि राजनीति विज्ञान में हम निश्चयवादी बात करते हैं कि इसमें बिल्कुल डेफिनेट बात हम प्रामाणिकता के साथ में भविष्यवाणी की भी इसमें संभावना व्यक्त होती है। तो कुछ विचारक जो है वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, एक विज्ञान की तरह है और ये एक विज्ञान है। तो अगला अंतर हम देखते हैं, अगला अंतर है, अगला अंतर है अध्ययन पद्धतियों में अंतर। अध्ययन पद्धतियों में अंतर, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर, परंपरागत दृष्टिकोण की, परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां, परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक विवेचनात्मक वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक विवेचनात्मक ऐतिहासिक हैं विवेचनात्मक ऐतिहासिक हैं जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां आनुभाविक, सांख्यिकी वैज्ञानिक तकनीकों पर वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित है। अध्ययन पद्धतियां परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन पद्धति वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक विवेचनात्मक ऐतिहासिक है, पुरानी अध्ययन पद्धतियां हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धति नहीं है आनुभाविक सांख्यिकी विज्ञान और तकनीकों पर आधारित अध्ययन पद्धतियों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला अंतर है मूल्य संबंधी अंतर। तो देखिए मूल्य संबंधी अंतर हम देखते हैं, मूल्य संबंधी अंतर। मूल्य संबंधी अंतर
परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण अध्ययन में मूल्यों को अध्ययन में मूल्यों को स्थान देता है, मूल्यों को स्थान देता है, जबकि जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जबकि आधुनिक जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में केवल तथ्यों को ही महत्व दिया जाता है, केवल तथ्यों को ही महत्व दिया जाता है। तो देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो केवल मूल्यों को ही जो है अध्ययन में स्थान देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण मूल्यों की जगह केवल तथ्यों को ही जो है अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान देता है। अगला है परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो है इसका उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है, जबकि उद्देश्य के बारे में अंतर हम देखते हैं, राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर। अगला अंतर है राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर, राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण का उद्देश्य, परंपरागत दृष्टिकोण का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। परंपरागत दृष्टिकोण का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है, जीवन की प्राप्ति है, जबकि जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का जो उद्देश्य है वो ज्ञान को प्राप्त करना, आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना अर्थात श्रेष्ठ प्रविधियों पर, श्रेष्ठ प्रविधियों का मतलब तकनीक, श्रेष्ठ प्रविधियों पर बल दिया जाता है, श्रेष्ठ प्रविधियों पर बल दिया जाता है। देखिए, तो इस प्रकार हमने जो प्रमुख अंतर देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर क्या है, प्रकृति के बारे में अंतर, ये इसकी प्रकृति जो है परंपरागत दृष्टिकोण की दार्शनिक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति क्या है वैज्ञानिक है, ये इसे विज्ञान की तरह मानते हैं। अध्ययन पद्धतियां, परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां पुरानी है, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की पद्धतियां अनुभाविक सांख्यिकी वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित है। अगला है मूल्य संबंधी, परंपरागत दृष्टिकोण अध्ययन में मूल्यों को स्थान देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण केवल तथ्यों को ही अध्ययन में स्थान देता है। राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर, परंपरागत दृष्टिकोण का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य जो है ज्ञान की प्राप्ति करना और अध्ययन में श्रेष्ठ प्रविधियों और तकनीकों को जो है महत्वपूर्ण स्थान देना है।